नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एप्पल आईफोन एसई 3 के बारे में। यह आईफोन एक मिड रेंज का रहने वाला है और मिडिल क्लास के लिए यहां फिर जो आईफोन में एंट्री करने वाले हैं 5G वेरिएंट के अंदर, तो यह स्मार्टफोन उनके लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्मार्टफोन की डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं कि अगर आपको खरीदना है तो इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या रहता है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि काफी लोगों की हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको एक मिड रेंज वाली छोटी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। यह लगभग 4.70 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि IPS LCD डिस्प्ले रहेगी और यह आपको 548 PPI पर बेस्ट है। साथ ही दोस्तों, यह बेजल लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन डिस्प्ले थोड़ी छोटी रहेगी। अगर आप कम छोटा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं छोटे डिस्प्ले में तो काफी बढ़िया रहने वाला है। चलिए अगर हम इसकी कैमरा भी आपकी बात करते हैं तो कैमराज में सबसे पहले हम इसके बैक एंड कैमराज को ले लेते हैं। तो बैक एंड कैमराज के अंदर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वह दोस्तों 12 मेगापिक्सल। और दोस्तों, सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो वह भी आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की तो इसके अंदर आपको 2821 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है और ये फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराएगा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। फिलहाल अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं, काफी ज्यादा कम है। आजकल तो 5000 mAh, 6000 mAh के बैटरी बैकअप आ चुके हैं, लेकिन आईफोन के अंदर आपको काफी कम बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईफोन क्या है, काफी ज्यादा स्लिम रखने के लिए उनके अंदर आपको काफी कम बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको जो बैटरी की जो मोटाई की दिक्कत है उससे बच सके। तो इसके अंदर 2821 mAh का बैटरी बैकअप जो आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक काफी इनफ है, काफी ज्यादा बढ़िया है। डिस्प्ले छोटी है तो थोड़ी बैटरी कम खर्च होगी, उस स्थिति में काफी ज्यादा शानदार है। So, अगर आप इसकी नेटवर्क फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यह आपको 5G वेरिएंट पर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बेस्ट एंड काफी ज्यादा बढ़िया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको आईफोन लेना है और वो भी 5G वेरिएंट के अंदर, क्योंकि इन फ्यूचर 5G आने वाला है, और मिड रेंज में लेना है लगभग 40-45 के अंदर लेना है, तो आपके लिए यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं तो ये आपको काफी वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। तो ये आपको 4GB 64GB 6GB 64GB या 8GB 128GB कुछ वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल होगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अलग अलग वेरिएंट में ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी इसके वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में इसके चिपसेट की, तो इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वो एप्पल का बायोनिक आपको इसके अंदर चिपसेट देखने को मिलता है। एप्पल A15 बायोनिक आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम इस स्मार्टफोन के चिपसेट के अलावा इसकी परफॉर्मेंस यानी इसके सीपीयू की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको हेक्साकोर का 3.23 GHz पर बेस्ड इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूअल कोर का 1.82 GHz का सीपीयू लगाया गया है जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड कर देता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर साथ ही बात करी जाए इसकी प्राइस की, क्योंकि डिटेल स्पेसिफिकेशन हम जान चुके हैं, नेटवर्क फैसिलिटीज जान चुके हैं, अगर हम प्राइस की बात करते तो फिलहाल ऐसा अनुमान लगाया कि लगभग आपको 45,000 तक देखने को मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन है। अगर इन फ्यूचर कुछ डिस्काउंट में भी आपको 40-45 या 50,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एप्पल का F15 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। प्राइस के बिहार पर भी काफी बढ़िया आएगा। लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं तो ये अप्रैल महीने के अंदर लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है। फिलहाल जो एप्पल का इवेंट हुआ था उसमें काफी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, काफी प्रोडक्ट इवेंट में लॉन्च हुए हैं, तो उन्हीं के तहत ये भी आपको काफी जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर ग्लोबली लॉन्च होगा तो काफी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा।
थोड़ी इंडियन मार्केट के तौर पर इसकी प्राइस ज्यादा रहने वाली है, अदरवाइज अगर आप लेने के शौकीन है तो बाई कर सकते हैं, काफी जल्दी है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। उसी के साथ ही एप्पल अपने काफी नए नए जो आईफोन लॉन्च होने वाले हैं इन फ्यूचर, लगभग आपको इसी 22 के अंदर देखने को मिलेंगे, तो अगर आप वेट करते हैं प्राइस ज्यादा रखकर, अगर आप प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। फिलहाल ये स्मार्टफोन इसके प्राइस के अंदर काफी ज्यादा शानदार, काफी बढ़िया है, और 5G वेरियंट है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मेरी ओपिनियन की बात करते हैं तो अगर आपको 5G वेरिएंट में लेना है और जो iPhone 12 है वह लगभग आपको 53,000 के अंदर 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और वह भी 5G के अंदर आपको देखने को मिलेगा, शायद 5G ही है iPhone जो 12 है, तो वो अगर आप 4GB 64GB में लेते हैं तो लगभग आपको 53,000-54,000 रुपए के रेट में फिलहाल आप नेट पर देख सकते हैं। और अगर आप बड़ा वाला जो वेरिएंट है उसका 8GB 128GB वाला या 6GB 128GB वाला, तो शायद वो वेरिएंट आपको लगभग 60,000 या 61,000-62,000 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप 10-15,000 रुपए अगर और ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप iPhone 12 भी ले सकते हैं, काफी शानदार प्रोडक्ट है। दोनों में आपके हिसाब से डिसाइड है आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट पर जाना है, वो थोड़ा पुराना है ये थोड़ा नया है, फिलहाल इच्छा आपकी, अगर आप दोनों में से कौन सा बाय करना चाहते हैं। मैंने मेरा ओपिनियन बता दिया, मुझे आईफोन 12 थोड़ा इससे बेटर लगा है, काफी शानदार लगा है, उस स्थिति में अगर आप वो बाय करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी काफी बढ़िया है, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप बाय करने के शौकीन हो तो बाय कर सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।